मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैसे शुरू करें। सेलो टेप एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल लगभग हर घर, दुकान और दफ्तर में किया जाता है। सेलो टेप, या जिसको हम सेलोफेन टेप के नाम से भी जानते हैं, इसका इस्तेमाल किन्हीं दो चीजों को जोड़ने या चिपकाने के लिए होता है। सेलो टेप की डिमांड पर नजर रखी जाए तो इसकी मांग बाजार में अच्छी खासी है, इसलिए अगर सेलो टेप बनाने का व्यापार कोई शुरू करता है तो उससे इसमें अच्छा खासा फायदा हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस व्यापार को कैसे शुरू करें और इससे जुड़ी जरूरी जानकारी देंगे। कौन कौन से जरूरी रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी? BOPP फिल्म, एडहेसिव, पेपर कोर, कलर पिगमेंट, इंक। किन किन जरूरी मशीनों की आवश्यकता होगी? एडहेसिव कोटिंग मशीन, हॉट एयर मशीन, स्लिटिंग मशीन, कोर कटर मशीन। टेप बनाने का प्रोसेस। सबसे पहले अनबाइंडिंग स्टेशन पर BOPP फिल्म का जंबो रोल लगाया जाता है। यहाँ से BOPP शीट गमिंग स्टेशन की ओर जाती है। गमिंग स्टेशन पर गम को पिगमेंट कलर किया जाता है। गमिंग स्टेशन पर एक रोलर घूमते हुए शीट पर अच्छे से ग्लू अप्लाई करता है। इसके बाद एक्स्ट्रा ग्लू की कटिंग हो जाती है। फिर ग्लू की गई शीट्स हॉट एयर चैम्बर में जाती है। हॉट एयर चैम्बर में एक्स्ट्रा मॉइस्चर को सुखाया जाता है। इसके बाद रीबाइंडिंग स्टेशन पर शीट्स को जंबो रोल में कट किया जाता है। टेप का बेस तैयार करने के लिए पेपर कोर के रोल्स को कोर कटिंग मशीन से कट किया जाता है। स्लिटिंग मशीन में जंबो रोल रिक्वायर्ड साइज में कट कर दिया जाता है और इसके बाद टेप तैयार हो जाता है। कौन कौन से जरूरी लाइसेंस की आवश्यकता होगी? टेप के बिजनेस को शुरू करने के लिए उद्योग रजिस्ट्रेशन, MSME लाइसेंस, प्रदूषण कंट्रोल द्वारा जारी NOC और ट्रेड लाइसेंस की जरूरत होती है। कितनी एरिया की जरूरत होगी? इस बिजनेस के लिए आपको लगभग 3000 से 5000 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता होगी। इन्वेस्टमेंट कितना होगा? किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत तो होती ही है। इस बिजनेस के लिए जिन मशीनों की आवश्यकता है वो लगभग 17-18 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में आ जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताया जिसे आप बड़ी ही आसानी से कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।